ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 घरेलू टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का हुआ ऐलान। वर्ल्ड कप खेलने वाले दिग्गज हुए बाहर। रोहित, विराट, गिल, राहुल अय्यर, शमी, बुमराह, सिराज जैसे कुल 9 बड़े खिलाड़ी हुए बाहर। इस खूंखार खिलाड़ी को मिली टीम की कमान। वनडे वर्ल्ड कप फाइनल की हार का बदला लेंगे टीम इंडिया के नए धुरंधर। नई टीम देख कंगारू कांपे। 23 नवंबर से शुरू होगी जंग। जी, वनडे वर्ल्ड कप फाइनल की करारी हार के बाद में एक साथ 12 खिलाड़ियों की छुट्टी कर दी गई है। इन 12 खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले टी20 मैचों की घरेलू सीरीज से छुट्टी कर दी गई है। एक साथ कई बड़े दिग्गज खिलाड़ियों को बाहर कर दिया गया है और नए खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। कंगारू से वर्ल्ड कप फाइनल की हार का बदला लेने के लिए ये सभी खिलाड़ी तैयार हैं। इस नई टीम की कमान एक ऐसे खिलाड़ी को दी गई है जो वनडे वर्ल्ड कप में बुरी तरीके से फ्लॉप रहा था, लेकिन टी20 का वो सबसे विस्फोटक और सबसे खतरनाक बल्लेबाज है। ऐसे में सेलेक्टर्स ने खिलाड़ी को कप्तान बनाकर बड़ा भरोसा जताया है। इस टीम में कई दिग्गज युवा खिलाड़ी ऐसे हैं जो कंगारुओं के पसीने छुड़ा देंगे। कई खिलाड़ी सिक्सर किंग है। आपको बताते चले कि 23 नवंबर से शुरू हो रही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 टी20 मैचों की सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें क्रिकेट के दूसरे मिस्टर 360 डिग्री कहे जाने वाले बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाया गया है, जिन्होंने आखिर के 7 मुकाबले खेले थे। ऋतुराज गायकवाड़ को उप कप्तान बनाया गया है। वर्ल्ड कप खेलने वाले सिर्फ 3 खिलाड़ी इस टीम में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। इनमें 2 खिलाड़ी को ज्यादातर मैचों में बेंच पर बिठाया गया था। इनमें ईशान किशन और प्रसिद्ध कृष्णा शामिल हैं। इसके साथ बाकी पूरी टीम नई है और युवाओं से भरी पड़ी है। आपको नई टीम के बारे में बताएं, लेकिन उससे पहले आप उन दिग्गजों के बारे में जान लीजिए जिन्हें इस टी20 सीरीज से बाहर कर दिया गया है। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर बाहर हो चुके हैं। इनकी जगह पर यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह, रवि बिश्नोई, तिलक वर्मा, जितेश वर्मा, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, अर्षदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, आवेश खान और मुकेश कुमार शामिल हैं। हालांकि इनमें कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जिसने टी20 में डेब्यू ना किया हो, लेकिन कुछ खिलाड़ियों को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी खिलाड़ी 2 से 4 मुकाबला खेले हैं। पूरी टीम कुछ इस प्रकार है। सूर्य कुमार यादव कप्तान, ऋतुराज गायकवाड़ उप कप्तान, ईशान किशन विकेट कीपर, यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा विकेट कीपर, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, अर्षदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, मुकेश कुमार और आवेश खान। बताते चले कि ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में इन्हीं दिग्गजों ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। ऐसे में चयनकर्ताओं ने सभी पर बड़ा भरोसा जताया है। वहीं जानकारी के लिए बता दें कि आखिरी 2 मैचों के लिए श्रेयस अय्यर शामिल होंगे। टीम की कप्तानी भी वो संभालेंगे। हालांकि जिन दिग्गजों को बाहर किया गया है उन्हें विश्राम दिया गया है, न कि उनकी टीम से छुट्टी की गई है। बताते चले कि 23 नवंबर से सीरीज शुरू हो रही है। पहला मुकाबला विशाखापट्टनम में खेला जाएगा, दूसरा मुकाबला 26 नवंबर को तिरुवनंतपुरम में, तीसरा 28 को गुवाहाटी में, चौथा 1 दिसंबर को नागपुर में और पांचवा मुकाबला 3 दिसंबर को हैदराबाद में खेला जाएगा। कुल मिलाकर के युवाओं के कंधे पर वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल की हार का बदला लेने का एक छोटा सा मौका होगा और सभी भारतीयों को भरोसा है कि इस टी20 सीरीज में टीम इंडिया कंगारुओं के छक्के छुड़ाने में कामयाब होगी। टीम इंडिया की इस नई टीम के ऐलान को लेकर और इन खिलाड़ियों पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में